नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से फार्मासिस्ट और अदर पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी निकाली गई है, और इस वैकेंसी को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि क्या इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि डी फॉर्म पास आउट हैं, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो है जो भी यहाँ पर इसका हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैंने कॉल किया था, लेकिन जो कॉल है वो यहाँ पे लग नहीं रही है। तो एक बार जैसे यहाँ पे कंफर्म होता है मैं आपको तुरंत जो है वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है इसके अनुसार 50% जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा गया वो भी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इस वैकेंसी के लिए आप 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक के बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 12 जनवरी को जो है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, और इसमें एग्जैक्ट क्या लिखा गया उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें फार्मासिस्ट की जो है वो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रहने वाली है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपका 318 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया, क्वालिफिकेशन में जो है वो हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या लिखी गई है, और यहाँ से जो है कुछ हद तक यहाँ पे पता चलता है कि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया एसेंशियल लिखा गया बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, और इसके साथ में जो है इनको डिप्लोमा भी जो है इसमें लिखना चाहिए था, ठीक है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समकक्ष होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया, यहाँ पे जो है केवल इक्विवेलेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार को जो है वो यहाँ पे फार्मेसी पॉइंट की तरफ से या फिर लगातार जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं कि एक यहाँ पर क्लियर कट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, साथ में जो भी इनका यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैं लगातार यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक बार कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और एक बार यहाँ पे बातचीत हो जाए कि मतलब इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ में जो है लिखा गया कि रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, तो आपका जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में, यूपी में है, बिहार में है, एमपी में, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो जो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपके स्टेट का, उसको आपको यहाँ पर ट्रांसफर कराना पड़ेगा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के अंदर जो है, ठीक है, ज्वाइनिंग होने के 6 महीने के अंदर जो है आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो है वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कराना पड़ेगा। और आपका यहाँ पर पे स्केल दिया गया है, और जो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है वो दी गई है 27 साल, बाकी जो है जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी होगी उसके अनुसार जो है वो यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल जाएगी, इसके लिए जो है नीचे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है वो यहाँ पे दी गई है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो आपके यहाँ पर नर्सिंग की वैकेंसी निकली है, यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, ठीक है। इसमें जो भी इनके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसको जो है वो यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है, लेकिन जो आपके यहाँ पर फार्मेसी वाला है उसमें केवल इक्विवेलेंट लिख के जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ है, कुछ भी जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो भी इनका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, जो इनका यहाँ पर मेल वगैरह है उस पर जो है वो यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार जो है ये चीज आपके यहाँ पे कंफर्म हो सके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अदर पोस्ट है उनका जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसके लिए जो है आप यहाँ पे 13 फरवरी से अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो इसका यहाँ पर फीस होने वाला है वो आपका यहाँ पर 100 रुपये होने वाला है, 100 रुपये जो है वो यहाँ पे आपकी फीस होने वाली है, ठीक है। वुमन्स कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो इसमें लड़कियों की फीस नहीं लगने वाली है, एससी एसटी में जो है वो यहाँ पर कोई भी जो है फीस नहीं लगने वाली है, बाकी जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस जो है वो यहाँ पे 100 रुपये होने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है आपका सिलेबस वगैरह भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस के बारे में जो है एक अलग से वीडियो बना के डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ में आपको भी जो है वो यहाँ पे
जो आपके यहाँ पर दिल्ली के सीएम है, आपके यहाँ पर डिप्टी सीएम है और जो भी आपके यहाँ पर गवर्नर है दिल्ली के, उनको जो है आपको टैग करके ट्वीट करना है ताकि एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और जो इनका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी जो है आपको लगातार यहाँ पे कॉल करते रहना कि एक बार जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि इस वैकेंसी में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, ये चीज जो है वो यहाँ पे स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।